हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि मैंने ग्रिड का इस्तेमाल करने के लिए एक ऐप डाउनलोड की है। प्ले स्टोर में ये ऐप आपको आराम से मिल जाएगी। उस ऐप के अंदर मैंने ये फ़ोटो लाया और ग्रिड का इस्तेमाल किया। ग्रिड की सेटिंग आपको सेटिंग में जाके करनी पड़ेगी। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे ग्रिड बनाई, उसको मैं सेव करके अपने गैलरी में ले लेता हूँ और उसी की मदद से मैं अपने वाइट कलर की पेपर के ऊपर सेम टू सेम ग्रिड बनाऊंगा और बाद में उस ग्रिड को देखकर स्टेप बाय स्टेप मैं अजय देवगन जी का पूरा स्केच तैयार करूंगा। तो किस तरह से ग्रिड बनानी है वो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ग्रिड बनाने के लिए आप मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास न्यूज़पेपर में अगर फ़ोटो हो तो उसके ऊपर भी तैयार कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर ऐप का ही इस्तेमाल करता हूँ और उसी की मदद से अपने पेपर के ऊपर भी ग्रिड बनाता हूँ और उसी को देखकर स्टेप बाय स्टेप मैं सारा ड्राइंग तैयार करता हूँ। तो ये तरीका मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि आराम से आसानी से आपका स्केच पूरा परफेक्ट तैयार हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एकदम परफेक्ट आपका स्केच तैयार हो जाता है। बाद में जिस तरह से फ़ोटो के अंदर हमें कलर दिखते हैं, उसी तरह से हम कलर भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एक आउटलाइन, एक एक बॉक्स के अंदर किस तरह से आती है, उसी तरह से मैंने ड्राइंग कर दी है। ड्राइंग करने के लिए मैंने यहाँ पे HB पेंसिल का ही इस्तेमाल किया है। शुरुआत में हम जो भी ड्राइंग करते हैं वो हमेशा हल्के हाथों से ही ड्राइंग करना चाहिए, जिससे हमें कलर करने के टाइम पे या पेंसिल शेडिंग करने के टाइम पे डिस्टर्ब ना हो। तो ग्रिड लाइन हम बाद में रबर से साफ कर देंगे, वो पहले से ही हमने लाइट बनाई है तो रबर से साफ करने में आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अजय जी का स्केच तैयार कर दिया और उसके बाद रबर की मदद लेके मैंने सारी ग्रिड लाइन मिटा दी और स्केच को भी थोड़ा लाइट कर दिया। जो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे वैसा मैंने ड्राइंग तैयार कर दिया है। अब ड्राइंग तैयार करने के बाद जो रियल फैट होता है कि हमें कलर किस तरह से करना है, तो यहाँ पे जो मैं कलर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो कैमल कंपनी का 38 वाटर कलर केक है, जिसमें 18 शेड्स दिए गए हैं। तो मुझे ये कलर बहुत ही पसंद है। कॉलेज टाइम से ही ये कलर मैं इस्तेमाल करते आया हूँ और मुझे ये कलर की सबसे बड़ी खासियत ये लगती है कि हम कहीं पे भी लेके जा सकते। तो मैं यहाँ पे जो ब्रश है उसका भी इस्तेमाल करूँगा। मैं अलग अलग कंपनियों के ब्रश इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रश मुझे ठीक लगे वही मैंने यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद मोबाइल के अंदर देखकर मैंने कलर को पकड़े हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कलर करने बैठे तो हमारे जो वाटर कलर कंपास है उसको हम टिश्यू पेपर की मदद से या रफ कपड़े की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे, जिससे हमें कलर निकालने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैं बारी बारी कलर भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपको कलर दिखता है फ्रेश कलर, तो वही मैं यहाँ पे फ्रेश कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। रेफरेंस के अनुसार ही हम यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। तो रेफरेंस के अंदर हमें जिस तरह से कलर दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही कलर लेंगे, लेकिन पहला लेयर जो हमारा रहेगा वो पानी वाला रहेगा। पहले हम पानी करेंगे और पानी के अंदर ही हल्का सा कलर लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर लेने की हमें
आवश्यकता नहीं है। वाटर कलर कैक के अंदर काम करने का तरीका ही यही है कि सबसे पहले हम लाइट कलर पकड़े और लाइट कलर को धीरे धीरे हम डार्क करते हुए जाए और उसके अंदर और डार्क करेंगे और ज़रूरत पड़े वहाँ पे हाईलाइट भी छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली जो कलर है फेस के अंदर वही मैंने इस्तेमाल किया है। साथ में आईब्रो को दिखाने के लिए मैंने ब्राउन कलर थोड़ा डार्क लिया है। जितना हम ऑब्जर्वेशन कर सके हमारे रेफरेंस में से वैसे ही हम यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप डार्क करते जाएंगे। अचानक ही डार्क कलर नहीं रख देना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है, शांति से काम करना है। मिडल टोन, डार्क टोन, लाइट टोन, ये सब चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। और ब्रश हमारा साफ सुथरा रहे वो भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें जब काम करना होता है वाटर कलर से तो हमें पानी भी एकदम साफ चाहिए, ब्रश भी एकदम साफ चाहिए, हमारा कंपास बॉक्स भी एकदम साफ चाहिए। जितना साफ आपका रहेगा मटेरियल उतना ही आप कलर एकदम फ्रेशनेस ले पाओगे या कर पाओगे। तो हमें कलर की फ्रेशनेस लाने के लिए अच्छी तरह से काम करना है। तो यहाँ पे अब मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर की जा रहा हूँ। तो यहाँ अजय देवगन जी ने जो पगड़ी पहनी है वो पूरी लाल रंग की है, लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले डार्क टोन पकड़ रहा हूँ। डार्क टोन करने के बाद उसके अंदर मैं लाइट टोन धीरे धीरे लाल कलर का और केसरी रंग का जो है वो मैं रखूँगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड भी मैं तैयार करूँगा, जितना हो सके उतना मैं डल यानी प्राइमरी स्टेज पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा और उसके लिए मैं कंपास के अंदर ही पानी को डालते जा रहा हूँ, कलर को भी लेते हुए जा रहा हूँ। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अगर आपको सीखना हो किस तरह से ये काम होता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट करके सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरी चैनल पे नए आए हैं वो मेरी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं बारी बारी अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिए, पहले से भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, उसको भी आप लोग इंजॉय करें और ये वीडियो को भी आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से वाटर कलर के अंदर पोर्ट्रेट हम तैयार कर सकते हैं, स्केच तैयार कर सकते हैं। तो वो सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। जितना हो सके उतना डिटेल में देखते रहिए, ऑब्जर्वेशन करते रहिए कि मैं कौन से कलर कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, कौन से कलर में क्या कलर मिला रहा हूँ, कौन सा कलर लाइट है, कौन सा कलर मैं डार्क ले रहा हूँ। यही सब चीज़ों को हमें ऑब्जर्वेशन करना है और हमें स्केच पूरा तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को ऑब्जर्वेशन करिए। अब मैं आपको म्यूज़िक सुना रहा हूँ तो वो म्यूज़िक भी साथ में सुनिए।
दोस्तों, आप लोगों ने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा और आपको अभी तक भी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वाटर कलर केक का हम इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे लेयरों पे काम किया और हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को मैंने यहाँ पे डिटेल देने की कोशिश की। जितना मैं आपको दिखा सकता था उतना मैंने दिखाया, जितना सिखा सकता था उतना सिखाया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते। मैं भी खुद रोज़ कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। तो आप भी उसी तरह से काम करते रहिए। और ऐसे भी अभी लॉकडाउन का समय है, सभी लोग घर पे है, तो ऐसे समय पे टाइम वेस्ट ना करके हम कुछ ना कुछ अपना स्किल डेवलप करते रहे। तो मेरे पास तो पहले से ही ड्राइंग के अंदर स्किल है, तो मैं उसी स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर रहा हूँ। यानी लॉकडाउन का जो टाइम है वो मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता हूँ। खुद के भी वीडियो देखता हूँ, दूसरों के भी वीडियो देखता हूँ, और बहुत सारे छोटे मोटे काम जो घर में हम लोग कर सकते वो भी मैं करता हूँ। तो आप लोग भी वैसे ही काम करते रहिए, दूसरों की मदद करिए, और हो सके तो घर के अंदर ही रहिए, बिना फालतू घर के बाहर ना भटके। समय बहुत ख़राब चल रहा है, तो उसी समय को हमें देखते हुए अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है, अपना परिवार का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, खुश रहिए और सेफ रहिए। बस यही इस वीडियो में मुझे कहना था जो मैं कह चुका।